फ्रेंड, आज हम आपको गैस गीजर के स्पेयर पार्ट्स बताएंगे कि गैस गीजर के अंदर कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स होते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस गीजर की कैबिनेट होती है, जो बॉडी होती है बाहर की रहती है, जिसके अंदर सारी चीज़ फिट होती हैं। और उसके बाद में असेंबली किट आ जाती है। असेंबली किट के अंदर पानी जाता है, मतलब, और वो ये असेंबली किट होती है जिसके अंदर पानी यहाँ से जाता है। इसके अंदर मैग्नेट लगी हुई है। यहाँ से पानी जाने के बाद में इधर की तरफ से निकलता है, जो कि टैंक में जाता है। टैंक से हीट होने के बाद में पानी तब इधर से निकलता है। तो इसके अंदर कई सारी चीज़ें लगाई जाती हैं असेंबली के अंदर। यहाँ पे इसके सेंसर लगाया जाता है, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे मैग्नेट लगाई जाती है, जो कि रिले होती है। रिले यहाँ पे लगाई जाती है, और इसमें सर्किट लगता है, जिसमें इसे बर्नल बोलते हैं, जिसमें आग जलती है। ये बर्नल होता है, यहाँ से लाइटर रहता है ये। तो यहाँ से ये चिंगारी को ऑपरेट करता है, जिससे गैस यहाँ से निकलती है। तो उसमें आग लगने का काम होता है, तो ये वो काम करता है। तो बर्नल भी इसके साथ में असेंबल होता है। तो असेंबली आपने देख ली, कैबिनेट हो गई। और मैग्नेट सेंसर जो होता है, वो इसके अंदर लगा होता है मैग्नेट, वो हम आपको अभी दिखाते हैं। ये मैग्नेट होती है, जो कि इसके अंदर इस तरीके से लगी होती है, और बाहर से ये जो क्लिप टाइप में होता है, ये इसके अंदर लगा रहता है, जिससे मैग्नेट हमारे नीचे नहीं निकलती है। तो इस मैग्नेट का काम जो होता है, वो भी हम आपको बताएंगे अभी। ये देख सकते हैं मैग्नेट इसके अंदर रहती है। ये तो मैग्नेट हो गई है। मैग्नेट का जो काम होता है, पानी जब प्रेशर के साथ में जाता है, तो पानी आपको दिखाते हैं। पानी इसमें कुछ जब जाता है, तो मैग्नेट हमारी ऊपर हो जाती है। यहाँ पे सेंसर लगा होता है। सेंसर जो लगा होता है, वो हमारे सर्किट जो होता है उसे ऑपरेट करता है। और सर्किट जो होता है, वो रिले को सप्लाई देता है। तो रिले ओपन हो जाती है, और गैस यहाँ से जाती है, और बर्नल में आग लगनी शुरू हो जाती है। तो इसका काम ये होता है। अगर मैग्नेट ऊपर नहीं जाएगी, तो हमारा जो गीजर है वो स्टार्ट नहीं होगा, या सेंसर कट जाएगा, तब भी हमारा जो गीजर है वो काम नहीं करेगा। इनलैंड वाटर सेंसर, ये इस तरीके का होता है। सेंसर जो होता है छोटा सा, जब मैग्नेट ऊपर आ जाती है, तो तब ये अपना काम शुरू करता है, और ये सप्लाई देता है, उसे इंटीग्रेशन देता है सर्किट को, और सर्किट ऑपरेट होता है। फिर ये अगर ये ख़राब हो जाता है, तब भी हमारा गैस गीजर जो है वो ऑपरेट नहीं होगा। इसे सेंसर बोलते हैं। ये सर्किट डिवाइस है, जो सारा काम यही करती है सर्किट। ये सर्किट होता है इस तरीके का। इसके अंदर जो दो वायर हैं, ये 3 वोल्ट पर काम करता है। एक प्लस एक माइनस, दो पॉइंट इसके अंदर होते हैं, तार रहते हैं दो। और एक जो जैक होता है इसका, वो रिले का होता है, और दूसरा जो होता है वो सेंसर का होता है। और जो ये दो तार निकले होते हैं, ये थर्मोस्टेट के होते हैं, जो कि पानी जब ज़्यादा हीट निकलने लगता है, तो वो हमारे गीजर को ऑफ करने का काम करता है। और ये जो वायर होता है एक सिंगल, ये अर्थिंग का वायर होता है। अगर ये अर्थिंग का वायर कट जाएगा, तो हमारा जो गीजर है वो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। और ये जो है वो लाइटर का काम करता है, मतलब ये चिंगारी निकालने का काम करते हैं, जो कि गैस जलती है हमारे। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसका, इस सर्किट का ये काम होता है। उसके बाद में रिले आ जाती है। जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी पार्ट्स हैं इसके, सब वो 3 वोल्ट पे ही काम करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, DC 3 वोल्ट LPG, तो ये 3 वोल्ट पे ही काम करते हैं। सारी चीज़ जितनी भी होती है, सर्किट होता है, रिले होती है, ये सेंसर होता है, ये सब 3 वोल्ट पे ही काम करते हैं। तो ये रिले होती है। रिले का जो काम होता है, आपको दिखाते हैं अभी। ये रिले जो है, ये इस तरीके से लगी रहती है बर्नल के ऊपर। तो यहाँ से जो है ना, गैस जाती है हमारी, तो गैस को रोके रखती है रिले। जैसे ही हमारा सेंसर सर्किट को इंटीग्रेशन देता है, तो सर्किट जो होता है वो रिले को ऑपरेट करता है, मतलब रिले कट की आवाज़ आएगी और ऊपर हो जाएगी। यहाँ से गैस हमारी निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि बर्नल में जाएगी, और बंडल में फिर आग लगनी शुरू हो जाएगी। इनमें जो है वो चिंगारी निकलनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे लाइटर होते हैं, ये लाइटर का काम करते हैं। तो ये हमारा बंडल जलने लगता है।
रिले का काम गैस को रोकने का और बंद करने का काम होता है। उसके बाद में बर्नल आ जाता है ये। तो बर्नल जो होता है ये वाला पॉइंट होता है पूरा, ये बर्नल होता है, इसके अंदर से गैस निकलती है और यहाँ से ही स्टार्ट हो जाती है जलनी। तो आग का काम निकालने का यही होता है, ये बर्नल होता है, इसमें आग जलती है जिससे गर्म पानी होता है हमारा। इन्हें चिमनी बोलते हैं, जो कि लाइटर का काम करती हैं चिमनी हमारी। उसके बाद में टैंक आ जाता है, ये टैंक इस तरीके का रहता है, पानी मतलब ये इस तरीके से फिट हो जाता है असेंबली में। पानी हमारा यहाँ से इन होगा और यहाँ से घूमने के बाद में पूरे में यहाँ को निकलता है, तो यहाँ से गर्म पानी निकलता है हमारा, यहाँ से ठंडा पानी जाएगा और यहाँ से गर्म पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो पॉइंट, इसे थर्मोस्टेट बोलते हैं, हम दूसरा दिखाते हैं हम आपको। ये थर्मोस्टेट होती है हमारी, इस तरीके की रहती है ये। जब पानी ज़्यादा हीट निकलने लगता है, पानी ज़्यादा गर्म आने लगता है, तो ये इंडिकेशन देती है सर्किट को, तो वहाँ से गैस जो है हमारी बंद हो जाती है, हमारा जो गैस गीजर है वो काम करना बंद कर देता है। ये थर्मोस्टेट का काम होता है इसका। और चिमनी जो होती है वो इसके ऊपर का जो पार्ट्स होता है इसे चिमनी बोलते हैं, क्योंकि जो हीट वगैरह होती है वो सब यहाँ से बाहर निकल जाती है। चिमनी का काम सिर्फ यही होता है, जो हीट धुआं वगैरह होता है वो सब यहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके बाद में बैटरी बॉक्स आता है। तो ये बैटरी बॉक्स है हमारा, जिसके अंदर दो सेल लगाए जाते हैं इस तरीके से, एक न्यूट्रल होता है, एक फेस होता है, मतलब एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो इस डिब्बी के अंदर सेल लगाए जाते हैं, बैटरी बोलते हैं जिन्हें, 3 वोल्ट की। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं गैस गीजर के। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें।